हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और एक न्यूज़ जो है वो निकल कर आज सामने आ रही है, पेपर में ये निकला हुआ न्यूज़ है। तो यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में है, और कहीं ना कहीं जो हम लोग कह रहे थे कि 4000 शिक्षक भर्ती जो है आने का चांस है, ऐसा करके था, कहीं ना कहीं ये उससे संबंधित ही नज़र आ रहा है। चलिए इसको तो पूरा देख लेते हैं, न्यूज़ क्या है और कब तक क्या आ सकता है। तो वैकेंसी ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक आने का यहाँ पे चांस है। पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे पहले। तो फर्स्ट थिंग कि 4 साल बाद शुरू होगी। बिल्कुल आपको पता है कि करीब 2016 में जो है ये वैकेंसी आने का था TGT एंड PGT का। तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लेते हैं पहले। तो देखिए, जैसे इसमें बता रहा है कि प्रदेश भर में लगभग 4500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, तो ये 4500 विद्यालयों की बात हुई है। इसमें प्रशिक्षित स्नातक यानी जो आपके TGT और PGT होती है, उनकी भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। और ऑनलाइन आवेदन के लिए इसका सॉफ्टवेयर अब बन चुका है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी कुछ प्रस्तावित है, और सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बन चुका है, सिर्फ उसका सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो हो रहा है। तो अगस्त के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में जो है विज्ञापन यानी GO जो है आपका जारी हो सकता है। 18 से 20 हज़ार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है, यानी कि पदों की संख्या भी पर्याप्त है। तो 18 हज़ार 20 हज़ार करीब हो सकता है, फिक्स नहीं है, वो तो फिर आपका GO आने के बाद ही क्लियर होगा कि कितनी सीट्स रहती हैं। पिछले साल ऑनलाइन से 40 हज़ार रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन उनका सत्यापन करने के बाद संख्या आधी रह गई है। यानी तो जैसे 40 हज़ार की सूचना थी और क्योंकि संख्या आधी रह गई है, तो करीब करीब 20 हज़ार ऐसा माना जा रहा है, हालांकि ये एक अंदाजन ही है। इसके बाद देख लेते हैं, चयन बोर्ड को शिक्षकों के 22 हज़ार के आसपास खाली पदों की सूचना मिली थी। इनमें से कुछ पद को 2 बार आने के कारण हटा दिया गया है। कुल मिला के वही है, 18-20 आएगी, है ना, मेन चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड ने जुलाई 2016 में TGT PGT के 10 हज़ार पदों के लिए आवेदन लिए थे, और उसके बाद अब जो है 2020 में ये वैकेंसी आने वाली है, जो कि अगस्त लास्ट या सितंबर जो है स्टार्टिंग में आ जाएगी। बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो ये बढ़ गई है सभी वर्ग की। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य OBC वर्ग जो है वो अब 700 रुपये उनकी फ़ीस जो है वो ली जाएगी। जो आपके अनुसूचित जाति है 400 रुपये उनकी फ़ीस लगेगी। अनुसूचित जनजाति आवेदकों की 200 रुपये फ़ीस होगी। हालांकि दिव्यांगों के लिए जो है वो निःशुल्क रहेगा। और EWS जो है इनको आवेदन का शुल्क अभी प्रस्ताव शासन में है, अभी क्लियर नहीं किया गया है कि इनसे कितना शुल्क लेना है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि जब EWS आरक्षण भी लागू होगा। तो ये पहली बार होगा कि 10% TGT PGT भर्ती में फर्स्ट टाइम वंचित वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिलेगा। तो यानी कि इस बार इस वैकेंसी में EWS भी जो है वो लागू हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल न्यूज़ इतनी ही है कि आपकी वैकेंसी, आपका जो GO है वो जारी हो सकता है अगस्त लास्ट या सितंबर पहले तक। और एक चीज़ और, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, तो जैसा कि आपको पता है TGT और PGT की वैकेंसीज़ है, तो जो लोग इसके लिए पात्रता रखते हैं वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी GO आने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि जो है BTC या अलग जो कोर्सेज हैं उनके लिए क्या मापदंड है, वो अलाउड हैं कि नहीं है। क्योंकि जैसे BEd भी इस बार प्राइमरी में अलाउड किया गया था, तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है उसको देखते हुए। जो भी है, 4 साल बाद हो रहा है, तो GO आने का वेट करिए। GO आने के बाद आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, मैं मनगढ़ंत नहीं बताना चाहती हूँ इसलिए मैं वेट कह रही हूँ कि GO का वेट कर लीजिए। तो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी जो है GO आने के बाद मिल जाएगी, और GO आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आई जस्ट होप कि ये जो न्यूज़ है जिस तरह से इसमें बताया गया है वैसे ही सारी चीज़ें हो जाए, उतनी जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सो जो भी अपडेट मिलती है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड यस, अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।